मैन सहदेव वाल्मीकि, स्वागत आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं कुसर गांव में, जो कि हमारे माधवछाना गांव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखिए दोस्तों, आज लोहड़ी का पर्व है और हमारे हिंदू धर्म में इसका काफ़ी उत्सव से मनाया जाता है। और यहाँ इन उपलों के अंदर कोबरा स्नेक है और धामन भी है। देखते हैं और कितने सांप निकलते हैं, कि इनका जायजा है कि 5-6 सांप है, एक दो शायद इधर उधर निकल गए हैं। तो अभी इसको मैं रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो हमारी वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। तो आपको अभी सारे सांप निकाल के दिखाते हैं कौन कौन से सांप यहाँ निकलते हैं। तो अभी दोस्तों, अभी मेरे को एक धामन दिखाई दिए गए, तो अभी इसको मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक धामन सांप है जो कि काफ़ी बिग साइज का है। तो इसकी हाइट तकरीबन लगभग 6 फीट के प्लस ही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई जहर वाली बात नहीं होती। और गांव में भ्रांति है कि इसके पूंछ से मारने से इंसान को कोई दिक्कत आ जाती है, और ये पानी, ये भी गायों का दूध भी पी जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जहर भी नहीं होता, इसके काटने से इंसान की मौत भी नहीं होती, क्योंकि ये बगैर विष का सांप है। देखिए, काफ़ी बिग साइज़ का सांप है, लगभग इसकी हाइट तकरीबन 6 फीट है लगभग। तो अभी हम इसको रेस्क्यू कर लेते हैं, और आप भी भाई साहब कुसर गांव है। और रात के करीबन हमें 8:30 बज चुके हैं और सर्दी का मौसम है, तो हमें इतनी दूरी तय करके यहाँ पहुँच चुके हैं। और गांव के देखिए कितने सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो लोहड़ी बांटने के लिए इन्होंने थेपड़ियाँ वगैरह निकाली है, तो यहीं से ये सांप वगैरह निकल गए हैं। तो अभी देखते हैं कितने सांप निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी इसको मैंने डिब्बे में एक सांप पैक कर दिया है, और देखते हैं कितने सांप और निकलते हैं। तो अभी दोस्तों, एक सांप हमने कैच कर लिया और पैक भी कर दिया। तो देखते हैं, एक काम करो भाई, अभी हमें एक कोबरा सांप भी दिखाई दिया गया, तो उसको भी हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो में जुड़े रहे। कितना देखा थे? लगभग 3-4 फुट। ना ना, वही छोटो भी नहीं गयो, भी नहीं गयो, इन्हें कोनी भाई, कई है बोला है। दोस्तों, अभी इसके अंदर कोबरा स्नेक हो रहा, तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। ओ मोटर दखले भाई जी, करू कौन कौन दखले वाला मोटर डंग एकटा लागे मन तो पाले। ओरे ओरे ओरे, दिख गए रोला ना करे यार। तो देखिए दोस्तों, अभी एक कोबरा सांप दिखाई दिए गए हमें। तो ये लगभग इसकी हाइट तकरीबन 5 फीट के करीब होगा, तो इसको बाहर निकाल रहा हूँ मैं। बैटरी पकड़ो भाई। तो देखिए दोस्तों, एक कोबरा भी हमने रेस्क्यू कर लिया। तो हाइट तो करीब बढ़ी इसके लगभग 3-3.5 फीट के करीब है, तो इसको भी हम डिब्बे में पैक करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर ऐसा सांप अगर आपको बाइट कर ले, तो आप झाड़ फूंक के चक्करों में ना पड़े। अगर झाड़ फूंक के चक्करों में आप अपना वक्त जाया करोगे, तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसे इस सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जिससे इंसान की अगर ये बाइट कर ले तो इंसान की मौत निश्चित है, अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। अगर ऐसा सांप बाइट कर लेता है तो इंसान का शरीर पैरालाइजेस हो जाता है, और ये इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, तो उसी से इंसान की मौत हो सकती है। इसका लगभग इसके बाइट करने के बाद 45 मिनट का वक्त होता है, तो इंसान के पूरे शरीर में इसका विष फैल जाता है। तो ऐसा काम आप ना करें, और झाड़ फूंक के चक्करों में अपना वक्त जाया ना करें। आपके नज़दीकी जो भी सिविल हॉस्पिटल लगता है, तो उसमें इसकी एंटीबलम मिल जाती है, जिससे इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो अभी दोस्तों, अभी इसको मैं डिब्बे में पैक करने का प्रयास करूँ। एक डब्बा नहीं, नहीं, बैक प्रेशर कर दें। रेस्क्यू कर लिया, तो हमें देखिए दो सांप मिले हैं, एक कोबरा और दूसरा दामन सांप, जो कि रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, और हमारी वीडियो देख के आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है। अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो अभी देखते हैं, और भी यहाँ सांप देखे गए हैं, तो देखते हैं कौन सा और मिलता है।
देखा कितना।